2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी में चल रही अंतरखला अब धीरे धीरे बाहर आने लगी है। वहीं अब इंदौर से राव विधायक जीतू पटवारी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खरी खरी सुना दी है। इससे पहले भी कांग्रेस में कई नेताओं की नाराजगी सामने आई थी। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं जो कांग्रेस और कमलनाथ से नाराज चल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जीतू पटवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जीतू पटवारी कहते नजर आ रहे हैं कि कई सैकड़ों कार्यकर्ता इस आस में लगे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी बनेगी और कांग्रेस की विचारधारा आएगी। 2018 में हमारी सरकार बनी लेकिन सरकार गिरा दी गई। पटवारी ने कहा कि इसका पूरा श्रेय कांग्रेस कार्यकर्ता को जाता है। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ये बात स्वीकार कर चुकी है कि वह कामयाब नहीं हो पाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान जाएं। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूंगा कि हमें अपने कामों को लेकर कुछ अलग करने की जरूरत है। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पद के लिए काम नहीं करें, जनता के बीच जाकर उनकी आवाज सुने, उसके बाद ही कांग्रेस 2023 में सरकार बना पाएगी। कांग्रेस परिवार के युवा साथी, कांग्रेस जन, मध्य प्रदेश के कोने कोने में परिवार के लोग जो कांग्रेस, बता दें कि इससे पहले भी जीतू पटवारी का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज गौतम के भाषण का बहिष्कार कर दिया था। जीतू पटवारी के इस बयान के बाद बीजेपी के नेताओं ने उन्हें जमकर घेरा। आपको बता दें कि पार्टी के अंदर जारी अंतरकला आए दिन मीडिया के सामने आती रहती है। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वह अपने ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने में जुटे हुए थे।